नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में पनप रहा ड्रग्स का काम। ड्रग्स एक ऐसा मसला हिमाचल प्रदेश में बन गया है जिसमें सरकार और ड्रग माफिया की आंख मिचौली का खेल लगातार जारी है, और अभी तक 1 साल इस सरकार को हो गया है। और ड्रग्स को, इसके स्मगलिंग को कंट्रोल करने में अभी सरकार को बहुत बड़ी कोई सफलता मिली हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक नई कहानी सुनने को आ रही है और हमीरपुर के एक युवा ने खुद बताई है कि हिमाचल प्रदेश में अब घर घर जाकर नशा बिक रहा है। मैं मीरपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ पे चिट्टा, भांग, नशीले पदार्थ और यहाँ पे घर में पहुँचा दिए जाते हैं। हमें नशा करने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता। वहीं जब इस सारे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से बात हुई तो उन्होंने भी इस बात को माना कि ड्रग्स ऑन डिमांड वाला जो फंडा है वो हमीरपुर में भी जोरों शोरों से चल रहा है, और उनको इस सारे मामले को लेकर एक गुप्त सूचना भी आई है। देखिए, अभी तक ऐसा कोई केस तो हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन इसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि डिजिटल एज है, संचार क्रांति का युग है, तो मोबाइल फोन, इंटरनेट, इन सब चीज़ों का उपयोग जरूर जो अपराधी तत्व वो भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जो हमारी टीम उनको इस तरह से ट्रेंड और हम कर सकें कि वो इन लोगों तक भी पहुँचे। और साथ ही साथ इसमें एक ये रहेगा कि अगर कोई इस तरह की मोबाइल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए कोई डील हो रही है, तो वो कल के दिन उसके अगेंस्ट एविडेंस के तौर पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं। समाचार फर्स्ट के लिए हमीरपुर से कमल के साथ नवनीत बत्ता।